आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुई यूपी सरकार, कहा पराली जली तो ग्राम प्रधान पर होगी कार्रवाई। पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी गांव में पराली जलाने जैसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए गांव में पोस्टर, बैनर और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। यदि कहीं पर पराली जलाने की घटना होती है तो संबंधित व्यक्ति के साथ साथ ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी तय होगी और उस पर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। वही लोक भवन स्थित कार्यालय में सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा कि खेतों में फसल को काटने के पश्चात पराली को मौके पर ही डिस्कम्पोज करने की व्यवस्था कराई जाए। इतना ही नहीं, समय से पराली को गोवन संरक्षण केंद्र पर अविलंब पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए। पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। साथ ही प्रदेश में कहीं पर भी पराली जलाने की सूचना मिले तो संबंधित व्यक्ति के साथ साथ ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी तय कर उस पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाए। वहीं पराली के निस्तारीकरण के लिए प्रत्येक जिले में कृषि यंत्रों की व्यवस्था यहां पर की जाए। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 10 से 16 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सभी अस्पतालों और सरकारी भवनों की साफ सफाई करवाई जाए और अभियान की फोटो नोडल विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जरूर डाली जाए। इसके अलावा तहसील और थाना दिवस का समय से आयोजन करते हुए विरासत संबंधी समस्याओं और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। वही महिला सशक्तिकरण के लिए संबंधित विभाग कार्य योजना बनाकर अविलंब से प्रस्तुत करे। देश में पिछले 24 घंटों में आए 55,342 नए केस, 706 लोगों की हुई है 24 घंटों में मौत। पिछले 2 महीनों में सबसे कम मरीज आए हैं सामने। कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर आज सामने आई है। देश में कोरोना के रोजाना नए मामले यहां पर घटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 55,342 नए केस सामने आए हैं, जबकि 706 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। वहीं नए केसों की बात करें तो ये संख्या पिछले 2 महीनों में सबसे कम है। राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले रोजाना देश में यहाँ पर 70 से 80 हज़ार केस देश भर से आ रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 71,75,000 पार पहुंच चुकी है। इनमें से 109,856 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। वहीं रिकवरी के मामलों की संख्या भी 62 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में अब 8,38,729 पर आ गई है। वहीं संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज़्यादा है। वहीं देश में लगातार 3 हफ्तों से ज़्यादा रिकवरी केसों की संख्या यहाँ पर नए कोरोना केसों से ज़्यादा आ रही है। वही आईसीएमआर के मुताबिक 12 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,89,45,107 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10,73,014 सैंपल टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिव की रेट 7% है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वह एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया भारत का दूसरा स्थान है। वह कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर है। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट भारत में हो रही है। वह मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.54% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में घटकर 12% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 86% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के बाद करीब 6 महीने बाद पहली बार स्कूलों को खोलने का यहां पर फैसला किया गया है। आगामी 15 अक्टूबर से यहां पर स्कूल खुल सकते हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहां पर अनिवार्य होगा। वहीं परिजनों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे छात्र। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को परिजनों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जाने की अनुमति मिलेगी। पंजाब सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे या ही शुरू किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को यहाँ पर पहले सैनिटाइज करना होगा। फर्नीचर, स्टोनरी और स्टोरेज प्लस वाटर टैंक, किचन, कैंटीन और लेबोरेटरी समेत हर जगह को सैनिटाइज करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत तय कर दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत यहां पर 1500 रुपए तय की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की सभी प्राइवेट लेबोरेटरीज को इस आदेश का पालन से करने का निर्देश यहां पर दिया है। इसके बाद अब ममता सरकार एम्बुलेंस की मनमानी पर भी अंकुश लगाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विभिन्न पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 टेस्ट के लिए अधिकतम मूल्य 1500 रुपये तय किया गया है। वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ज़्यादा रुपए वसूलने वाले एम्बुलेंसों पर अंकुश लगाने की योजना भी बना रही है। निजी एम्बुलेंस का चार्ज भी यहां पर कम किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले बंगाल सरकार ने के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस टेस्ट के लिए 2250 रुपये फिक्स किए थे। अब नए आदेशों के मुताबिक 750 रुपये घटाकर इसे 1500 रुपये किया गया है। राजस्थान सरकार बेरोजगारों को हर महीने देगी 3000 रुपये। कोरोना के बाद बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, मगर अब ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जिन लोगों ने कोरोना संकट में नौकरी गंवा दी है, उनके लिए ये खबर काम की है। दरियाल, ऐसे लोगों को हर महीने यहाँ पर 3000 रुपये का भत्ता मिल सकता है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। वह राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 21 से 35 साल की आयु वाले बेरोजगार युवकों के साथ साथ बेरोजगार युवतियों को भी आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि ऐसी युवतियों को युवक से ज़्यादा पैसा मिलेगा। बेरोजगार युवकों को मासिक 3000 रुपये तो वही युवतियों को यहां पर 3500 रुपये मासिक बता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना का फायदा लेने वालों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी बेरोजगार लोगों को बता दिया जाएगा। वही आप यहां पर पारिवारिक इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार से किसी दूसरी योजना का फायदा मिल रहा है तो आपको इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। वह राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना का फायदा उठाने वालों के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राजस्थान एसओसओ आईडी और भामाशाह प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल है। वैसे योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के कौशल रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा या होम पेज पर आपको जो स्किल ऑप्शन में यहाँ पर अनुप्लाइड अनाउंस पर क्लिक करके यहाँ पर वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको आवेदन करना होगा। तेजी के बाद आज सस्ता हुआ है सोना, चांदी में भी आई है भारी गिरावट। आज सोना सस्ता हुआ है और आज 3 दिन बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई है। यानी 13 अक्टूबर को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 122 रुपये की गिरावट इसमें आई है। 10 ग्राम सोना आज 122 रुपये सस्ता होकर 51,034 रुपये पर खुला। वही चांदी 1000 रुपये की गिरावट के साथ यहाँ पर 62,728 रुपये पर खुली है। वही देश भर के सराफा बाजारों पर एक नज़र डालें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी किए गए रेटों के मुताबिक आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 51,034 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वही 23 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 50,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई है। वही 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 46,747 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गई। वही 18 कैरेट वाले सोने की कीमत गिरकर 38,276 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वही चांदी की कीमत भी यहां पर 62,728 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि IBSG द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य, हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेटों में GST को शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते और बेचते समय आप IBGA के रेटों का हवाला यहाँ पर दे सकते हैं। वही बात करें देश भर के सराफा बाजारों की तो सोना चांदी की वायदा कीमतों में मंगलवार को अच्छी सामी यहां पर गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर यहां पर मंगलवार को सुबह दिसंबर वायदे के सोने की कीमत यहां पर 0.59 फीसदी यानी 301 रुपये की गिरावट के साथ 50,806 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी है। वही इधर वैश्विक बाजारों में सोने की वायदा हाजिर दोनों की कीमतों में यहाँ पर गिरावट आई है। वही वायदा यहाँ पर मंगलवार सुबह को यहाँ पर गिरावट देखी गई है। वही घरेलू वायदा बाजारों में सोने के साथ साथ चांदी के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर मंगलवार को यहाँ पर दिसंबर वायदा चांदी की कीमत 1.21 फीसदी यानी 734 रुपये गिरावट के साथ 62,334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी है। वही वैश्विक बाजारों में चांदी की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में मंगलवार को अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखी गई है।
वही वैश्विक स्तर पर यहाँ पर मंगलवार को सोने के वायदा और हाजर दोनों कीमतों में जिससे खासी गिरावट देश में पढ़ाई में नंबर वन और अब हाईटेक कक्षाओं वाला पहला राज्य भी बना है केरल। केरल अब सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का ऐलान केरल सरकार ने कर दिया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से यहाँ पर सुसज्जित होगी। वही शिक्षा के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल केरल का नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पढ़ाई के मामलों में सबसे आगे रहने वाले केरल ने अब अपने सभी सरकारी स्कूलों को भी पूरी तरह से डिजिटल बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों को अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित यहाँ पर होंगे। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए सरकार ने 555 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। आपको बता दें कि केरल राज्य में किए गए इस प्रयोग के कई मायने हैं, इससे आने वाले समय में बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। वही अब वो वक्त आ गया है जब बच्चे स्लेट या पेंसिल लेकर पढ़ाई किया करते थे। आज के दौर में पूरी तरह डिजिटल युग हो चुका है, इसी कारण पढ़ाई करने के लिए तौर तरीके भी काफ़ी बदल चुके हैं। अब स्मार्ट क्लास का ज़माना है, ब्लैक बोर्ड भी बीते ज़माने का बात हो चुकी है। बच्चे ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर वेबकैम और प्रोड्यूसर जैसी तकनीकी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। वही कोरोना संकट काल में जब लॉकडाउन हुआ है और स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं तो बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर दी है। अब तो बच्चे वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासेस से पूरी तरह कोर्स सीख रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार ने भी सभी सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाए जाने के लिए जो कदम उठाया है वह आने वाले वक्त में देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि केरल की पी विजन सरकार ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए यहां पर 4,752 सेकेंडरी स्कूलों के 45,000 क्लासरूम को अपग्रेड कर डिजिटल बनाया है। इसी प्रकार राज्य से 11,275 प्राइमरी स्कूलों को भी यहां पर आधुनिक लैब की सुविधा मुहैया कराई है। वहीं इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की योजना के तहत स्कूलों को लैपटॉप प्रोजेक्टर और वेबकैम प्रिंटर के साथ 3,00,000 से ज़्यादा डिजिटल उपकरण की सुविधा यहां पर दी गई है।